Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and... Assalamu alaikum nazreen, aap sabka istiqbal hai A18 Telangana News ke khas khabarname par. Aaj 1 November peer yani Monday ka din hai, aaye nazreen dekhte hain aaj ka khas khabarnama. तेलंगाना रियासत में पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर यानी गे की शादी देखने मिलेगी। तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत में ये पहली मर्तबा होगा जहां गे कपल्स की शादी होगी। सुप्रियो चक्रबोटी और उनके पार्टनर अभय दांग दोनों मिलकर एक दूसरे से शादी करेंगे दिसंबर 18 को। सुप्रियो कोलकाता से है और हैदराबाद में सेटल हो चुके हैं और वो होटल मैनेजमेंट साथ ही स्कूल लेक्चरर है। अभय न्यू दिल्ली से है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग मैनेजर है MNC कंपनी में हैदराबाद के, और वो एक दूसरे से मिले थे 2012 में और एक दूसरे के साथ रह रहे थे लिविंग रिलेशनशिप के तौर पर, और आने वाले दिसंबर 18 को दोनों की शादी होगी तेलंगाना रियासत में। कंज्यूमर कोर्ट ने हैदराबाद में तेलंगाना कमिश्नर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को हिदायत दी कि हॉस्पिटल्स वालों को रोका जाए ज़्यादा पैसे लेने रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर, क्योंकि इस तरह रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर ज़्यादा पैसे लेना गैर कानूनी है और ना हक है। कोर्ट ने तमाम हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दिए कि रजिस्ट्रेशन फ़ी लेना बंद करना होगा तमाम हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये फैसला तब हुआ जब विजय गोपाल ने जुबली हिल्स ब्रांच के अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत किए थे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करने, जिसके बाद फैसला किया गया कि तमाम हॉस्पिटल्स वाले पेशेंट्स के पास से रजिस्ट्रेशन फ़ी ना ले। अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करेगा तो उन पर 3,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा, साथ ही लिटिगेशन के तहत 10,000 रुपये का कंपनसेशन देना होगा शिकायत करने वालों को ज़बरदस्ती करने पर। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। अब पेट्रोल की कीमत हैदराबाद में पर लीटर 115 रुपये मिल रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई के सबब। पहले ही लॉकडाउन के सबब मुतासर है लोग, पैसों की तंगी हो रही है, ऊपर से महंगाई का बोझ। आखिर हुकूमत क्या कर रही है आवाम के लिए महंगाई बढ़ाने के अलावा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए चीफ सेक्रेटरी के लिए, जहां पब्लिक इंफॉर्मेशन देने के लिए यानी आवाम को खबर करने के लिए किसी ताल्लुक से डिपार्टमेंट के हेड से इजाज़त लेनी होगी RTI एक्ट के तहत। उसके बाद ही आवाम को किसी ताल्लुक से खबर किया जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा ने इस तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ होकर कहा कि किसी भी हेड डिपार्टमेंट या हायर ऑफिशियल से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है RTI एक्ट 2005 के तहत। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि इसे मुद्दा ना बनाते हुए इस ताल्लुक से काउंटर पर फाइल करे अपना जवाब। स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT साइबराबाद पुलिस ने इतवार के दिन टॉलीवुड एक्टर के खानदानी अफराद के फार्म हाउस पर छापा मारा। ग्रीन लैंड्स मनचेरी वुला गाँव में नरसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के तहत और गैम्बलिंग रैकेट को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 30 अफराद को गिरफ्तार किए जो गैम्बलिंग में मुलव्वस थे और उनके कब्जे से 6 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जब्त किया गया। साथ ही 33 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए, 3 कार्स, 2 कैसीनो बॉक्स जब्त किए गए। तहकीकात के जरिए पता चला कि बर्थडे पार्टी के नाम पर गैम्बलिंग की जा रही थी। तमाम गिरफ्तार अफराद मुख्तलिफ मुकामात से हैं। इनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहारी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।